तो उन्होंने भगवा रंग क्यों पहनाया? विरोध का मूल कारण केवल इतना सा है कि उन्होंने अगर कपड़े ही पहनाना थे तो नीले पहना देते, कोई हरा पहना देता, कोई काला पहना देता, कोई जरूरी है कि उसको भगवा रंग के ही कपड़े पहनाना? विरोध का कारण उन्होंने खुद उत्पन्न करा। यहाँ कोई को फुर्सत नहीं है कि किसी को पागल कुत्ता नहीं काटा है कि वो जान करके भोकेगा या जान कर वो चिल्लाएगा। मूलतः ये है कि आप स्वयं सनातन धर्म के व्यक्ति को या भगवा रंग को ऐसा जनमानस में लाना चाहते हो कि ये एक ऐसा रंग है। उसमें उन्होंने शब्द भी कहा कि ये मैं कपड़ा पहन रखा हूँ, ये मुझे ऐसा कुछ बोला है उन्होंने कि ये कपड़ा पहन रखा हूँ और ये मेरे लिए ठीक नहीं। तो तुम खुद कह रहे हो कि ये कपड़ा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो काहे को पहना हो भाई, क्यों पहने हो? कौन ने कहा कि तुमको इस वस्त्र को धारण करो? हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आप परिधान के साथ में जो बेटियों का चरित्र दिखा रहे हो, आधा स्वरूप उनका दिखा रहे हो, वस्त्र कम दिखा रहे हो, ये क्या दिखाना चाहते हो? आप क्या प्रस्तुत करना चाहते हो? क्या हमारे यहाँ की बहन बेटियां ऐसी हैं? क्या हमारे भारत भूमि की बेटियां ऐसी हैं? आप उस फिल्म को बना रहे हो भारत में दिखाने के लिए, आप उस फिल्म को बना रहे हो इस भारत की भूमि को दिखाने के लिए। तो मेरे भारत भूमि की बेटियां ऐसा परिधान नहीं पहनती हैं जो परिधान तुम दिखाने का प्रयास कर रहे हो, या मेरे भारत की भूमि पर रहने वाली बेटियां इस तरह का वस्त्र धारण नहीं करती हैं। ये हम दिखाकर उनके परिधान को बदलना चाहते हैं, हम उनको उस भगवा रंग को दिखाकर ये भूमि को दिखाने के लिए। तो मेरे भारत भूमि की बेटियां ऐसा परिधान नहीं पहनती हैं जो परिधान तुम दिखाने का प्रयास कर रहे हो, या मेरे भारत की भूमि पर रहने वाली बेटियां इस तरह का वस्त्र धारण नहीं करती हैं। ये हम दिखाकर उनके परिधान को बदलना चाहते हैं, हम उनको उस भगवा रंग को दिखाकर ये दिखाना चाहते हैं कि आप इससे दूर रहें या इससे बचने का प्रयास करें। तो ऐसी फिल्मों को तो वास्तवता है कि देखना ही नहीं चाहिए। जब तुम कश्मीर देखने नहीं गए तो हम क्यों पठान देखने जाएंगे? रहेगा आरएसएस और बजरंग दल का नाम इसलिए लिया गया, इन दोनों को कभी चुनाव लड़ते देखा है आपने? आरएसएस को कभी चुनाव लड़ते देखा है? बजरंग दल को कभी चुनाव लड़ते देखा है? ये किस पार्टी के हैं किसको मालूम है? कभी इनका बंदा कोई खड़ा हुआ हो कि मैं बजरंग दल का हूं और आपको मेरे को बजरंग दल को आपको वोट देना? कभी ये कहा हो कि बजरंग दल को वोट देना? कभी कहा हो कि आरएसएस को वोट देना हो तो जरूर मेरे पास लेकर आना, क्योंकि जब जब सनातन धर्म पर आंच आती है, कहीं बाढ़ आती है, उस समय पर ये नहीं देखा जाता कि ये कौन सी पार्टी का है, उस समय पर देखा जाता है ये हिंदू है, सनातनी है या संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य है। पंडित प्रदीप मिश्रा या मैं खुद कोई पार्टी का नहीं, मैं केवल भोलेनाथ जी का भक्त हूँ, सनातनी हूँ, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और एक सनातन धर्म के अंदर हिंदू की औलाद हूँ। इसलिए जब भी बात करूंगा सनातन धर्म की बात करूंगा, ना कोई राजनीति से ना कोई पार्टी से, क्योंकि किसी पार्टी से हमें कोई मतलब भी नहीं है। ये व्यासपीठ किसी पार्टी की नहीं रही, पार्टी तो आज एक पद की है, दूसरे दिन कोई दूसरा बैठ जाएगा, तीसरे दिन कोई तीसरा बैठ जाएगा, चौथे दिन कोई चौथा बैठ जाएगा। ये राजनेता अपनी जगह स्थान छोड़ सकते हैं, पर अपनी जो गादी है, व्यासपीठ है, उसकी मर्यादा ये है, ना तो कभी आरएसएस ने चुनाव लड़ा, ना कभी बजरंग दल ने चुनाव लड़ा। ये वो दल हैं, ये वो संघ हैं जो हमारे दुख के समय पर, जब आपके यहाँ कष्ट आता है, अभी बैतूल में कहीं की बाढ़ आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, कोई दूसरा आकर बता दे तो बताना, बजरंग दल का व्यक्ति या आरएसएस का व्यक्ति या विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति या हिंदू समिति के व्यक्ति अपनी